नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। गिरिराज सिंह अक्सर अपने विवादित बयान को लेकर जाने जाते हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, और फिर उन्होंने एक बार बिहार में NRC लागू हो इस मुद्दे को छेड़ दिया है। जरा ट्विटर की पेज देखिए उनकी, जिससे किस तस्वीरें आप देख सकते होंगे। गिरिराज सिंह ने बहुत सारी मांगें रखी हैं और बहुत सारे पेपर कटिंग्स भी लगाए हैं, जो बयान अक्सर वो मीडिया में देते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने बिंदुवार तरीके से उन्होंने साफ साफ लिखा है, बिहार और बंगाल में NRC की ज़रूरत है। बिहार में NRC की ज़रूरत, बाहरी लोगों को छोड़ना होगा देश। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, अपने संस्कार व संस्कृति को सहेजने की ज़रूरत है। जीत मेरी नहीं बल्कि जनता की हुई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से NRC को लेकर वह बात करते हैं, और उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया था कि यदि देश में NDA की सरकार बनती है तो NRC लागू होगा। यह मुद्दा बहुत दिन पहले से ही है, जब असम का मुद्दा निकल के आया था, असम NRC लागू हो या नहीं हो, उस वक्त भी ये मुद्दा गरमाया हुआ था। हालांकि अब बिहार और बंगाल को लेकर के भी मुद्दा गरमाया हुआ है। गिरिराज सिंह जो अक्सर अपने विवादित बोल को लेकर जाने जाते हैं, एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो लागू होना चाहिए बिहार में, और बंगाल में NRC लागू होना चाहिए। आपको पता है अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। कुछ दिन पहले ही जब बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उस वक्त 2 सीटों पर RJD जीते थी। हालांकि NDA के खाते में सिर्फ 1 सीट ही आई थी, वो भी जनता दल यूनाइटेड ने जीत हासिल की थी। BJP किशनगंज की सीट हार गई थी। JDU भी अपनी जो सिटिंग सीटें हैं वो गंवा चुकी थी। उस वक्त AIMIM को लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई थी अपने ट्विटर हैंडल पर। उस वक्त भी गिरिराज सिंह ने कहा था कि बिहार में जिस तरीके से AIM का परचम लहरा है, विधानसभा में 1 सीट मिली है, ये जनता के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इस तरीके के बोल को लेकर अक्सर वो चर्चाओं में रहते हैं। BJP के शीर्ष नेताओं की ओर से कई बार फटकार भी लग चुकी है कि इस तरीके के बोल को ना अपना जाए, लेकिन BJP साफ साफ कह रही है कि NRC तो लागू होगा ही। कुछ दिन पहले ही जब राम मंदिर पर फैसला निकल के आया था, उस वक्त भी ये बातें निकल के आई थी। हालांकि BJP ने जो जो अपने एजेंडे में रखा था, धारा 370 हो या फिर कश्मीर का मुद्दा हो, अनुच्छेद 35A हो, राम मंदिर हो, वो सभी जो वादे हैं वो धीरे धीरे पूरी करती जा रही है। और जिस तरीके से अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ऐसा लग रहा है कि बिहार में NRC का मुद्दा धीरे धीरे गर्माते जा रहा है। और गिरिराज सिंह ने ट्विटर के माध्यम से ये कहा है कि लोगों की जीत होगी, लोगों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, NDA की सरकार बनाई है पूरे देश में, कहीं ना कहीं NRC जो है अब पूरे देश में लागू होने की बात हो रही है। फिलहाल बिहार और बंगाल की बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह। अब देखने वाली ये बात होती है कि कई बार गिरिराज सिंह जो सिस्टम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिखते हैं, कई बार वो सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों की बुराइयों को निकालते हैं और दिखाते हैं कि सरकार में ये अभी कमी है, तो वो गिरिराज सिंह अब साफ साफ पेपर कटिंग्स भी लगाते हैं और मीडिया के सामने जो अपनी बातों को रखा है, उन सभी बातों को फिर से दोहरा रहे हैं कि बिहार में NRC लागू होना चाहिए। NRC का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है। देखने वाली ये बात है कि गिरिराज सिंह जो BJP के फायर ब्रांड नेता हैं, क्या 2020 में भी इसे मुद्दा बनाएंगे बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि NDA के पास मुद्दों की कमी है, ऐसा कह रही है विपक्ष। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि NDA के पास अब मुद्दा बचा क्या। हालांकि कई सारे जब नेताओं से, मंत्रियों से और सांसदों से जब हमने बातचीत की, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा मुद्दा विकास है, बेरोजगारी को दूर करना है, यही सब मुद्दा है। क्योंकि हम लोग मुद्दा पैदा करने के लिए सरकार में नहीं आए हैं, मुद्दों को मिटाने के लिए सरकार में आए हैं। देखने वाली बात यह है कि NRC भी जो क्या ये मुद्दा है, इसे BJP क्या मिटा पाएगी, केंद्रीय सरकार क्या इस पर कुछ फैसला ले पाएगी, जिस तरीके से गिरिराज सिंह बिहार में लागू करने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद क्या विपक्ष चुप बैठेगा, क्या सवाल खड़े करेगा, ये सभी देखने वाली बातें होंगी। लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।